हैरतल जिले के शेखपुरा थाना अंतर्गत ग्राम हमीरका थाड़ी में टंकियों में पानी की पाइप को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां पर उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। पीड़ित नाजिम ने बताया कि उनके गाँव में वह अपने खेत पर पानी की पाइप लगा रहा था, तभी वहां पर दूसरे उनके पड़ोसी आए और उनके साथ आपसी कहासुनी करने लगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की पाइप मत लगाओ, लेकिन पीड़ित पक्ष ने कहा कि हमको 15 साल हो गए हैं परेशान होते हुए, ये तो पानी की पाइप लगाएंगे। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। वहां पर हुसैन, इमरान, शरीफ, परवेज आदि अन्य लोग हैं। पीएफ का कहना है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों ने हम पर लाठी डंडों व हॉकी से हमला किया है। घायल होने वाले 6 लोग हैं, जिनमें से 4 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 लोगों को शेखपुर ही अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई है। घायल होने वाले लोग जाबिद, अयूब, नाजिम, इजवाना, आविद, इन लोगों का अलवर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ शेखपुर थाने में शिकायत दर्ज कर दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भाई गांव मेरा का ढाणी तकिया, मैं पाइप लगा रहा हूँ खेत में, कह रहा था पाइप मत फैला। मैंने भाई पाइप फैलेंगे 10-15 साल होगी पाइप फैलती रहेंगी, पाइप बंद ना हो भाई, पाइप फटाक फेंक दे। वो दोनों बाप बेटा मेरे घुस गए। फिर आया था हुसैन साहब, उसने मेरी डंडी मारी एक पहले तो, फिर इमरान आया है, इमरान ने मेरे हाथ में लाठी दी, हाथ तोड़ दिया है। डंडे बहुत ही और घने सारे डंडे आए हैं, मैं तो गिर दिया रोड लोहो की सरिया। आपके कितने लोग घायल हुए? 6 बंदे हम। क्या नाम है उनके? जाबिद, अयूब, नजीम, रिजवाना और आबिद। हाँ, दूसरी पार्टी के एक तो है शरीफ, शरीफ का लड़का है परवेज, हुसैन सा, इमरान और अन्य लोग हैं। कितने लोग हैं भाई? वो 20-25 आदमी। ये का मामला है, ये तकिया का, अमीरा का तकिया। थाना कौन लगेगा? शेखपुर। हाँ, भाई जान से मारने, जान मारने की धमकी दी मेरे को लड़का पटक दिया। आपका नाम क्या है? नजीम मेरा नाम। नजीम। हाँ, हाथ टूट गया। हाथ टूट गया।